गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायो केम एडिक्सर। आई एम डॉक्टर हनुमान सिंह यादव इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। गाइस, आज हमको चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ना है। 11th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी, इसमें हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर ये चैप्टर शुरू किया हुआ है। इसमें चार्ल्स लॉ के बारे में हमको पढ़ना है। इन प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द बॉयल्स लॉ, ओके। नाउ वी हैव टू कंप्लीट अबाउट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या बताया गया बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए। इस तरफ मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। चार्ल्स लॉ में जो है आपको, देखिए मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि हम लोगों को तीन जो है तीन थर्मोडायनेमिक स्टेट्स को पहले जानना पड़ता है। पहले प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर। यानी कि ये जो है वो थर्मोडायनेमिक स्टेट्स होते हैं, ओके। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीनों में से किसी एक को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो बाकी दो को वेरिएबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको चार्ल्स लॉ में किसको कांस्टेंट रखना है, हमको ये देखना है। चार्ल्स लॉ में ये बोला गया है कि अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, इफ़ वी हैव मेंटेन डेल्टा पी इक्वल्स टू जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा पी? डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर। अगर चेंज इन प्रेशर की वैल्यू जीरो हो जाती है, ओके, तो इन दैट कंडीशन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके गाइस, हमको ये पढ़ना है, ठीक है। चार्ल्स लॉ में क्या बोला गया है कि इफ़ यू आर कीपिंग द प्रेशर कॉन्स्टेंट देन द वॉल्यूम वुड डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है गाइस। अब ये तो आप लोग इजीली समझ सकते हैं कैसे। अरे भाई, बहुत से एग्जांपल हैं इसके। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप लोग जैसे कि प्रेशर कुकर का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि प्रेशर कुकर में वॉल्यूम तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, अगर प्रेशर कुकर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम लोग उसका एग्जांपल नहीं लेंगे। हम लोग एग्जांपल लेंगे जैसे मान लीजिए हम लोग जिससे कोई रोटी बना रहा है, अगर रोटी बना रहा है तो रोटी का जो ये है क्या बोलते हैं साइज़, ये रोटी का साइज़ है और ये हो गया उसका तवा, ठीक है। मान लीजिए तवा हो गया, ओके। अब जैसे ही आप लोग इसको हीट देना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, रोटी का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, ये ऐसे इतना ज़्यादा स्वेल अप हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलने लगेगी। अब ये बात ये है कि अगर टेम्परेचर दिया तो वॉल्यूम क्यों बढ़ा भाई? क्योंकि टेम्परेचर देने से कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर ट्रैप है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल हाईली एक्टिवेटेड स्टेट में आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, और जिसके कारण क्या होगा कि जिसके कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस अब यहाँ पे प्रेशर की बात आती है तो प्रेशर हमने कांस्टेंट क्यों रखा? हम लोगों ने प्रेशर कोई कांस्टेंट नहीं रखा है, प्रेशर तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट ही है। कैसे प्रेशर कांस्टेंट है? देखिए, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, वन एटीएम होता है, ओके। अब अगर 1 ATM प्रेशर सब जगह इक्वल ही है तो ऑब्वियसली प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन रह जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इसको अगर हम इसका थोड़ा छोटा सा डेरिवेशन भी बनाते हैं तो डेरिवेशन बहुत ईजी है। कैसे? मैंने यहाँ लिख दिया डेल्टा पी इक्वल्स टू जीरो, देयरफोर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर इज इक्वल टू के इंटू वी, ठीक है। इट मीन्स टी अपॉन वी इज इक्वल टू के। इतना समझ में आ गया आप लोग को? अब अगर ये समझ में आ गया है तो अब इसके बाद क्या है, टेम्परेचर अपन वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो हम लोग लिखेंगे दैट्स वाई T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T2 अपॉन V2 दैट इज इक्वल टू के। ये हो गया अपना हमारा इक्वेशन अबाउट चार्ल्स लॉ। समझ में आ गया गाइस? चार्ल्स लॉ एकदम ईजी है, ठीक है। अब चलिए हम उसके आगे चला जाते हैं, आगे पढ़ते हैं इसका। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ है आपके सामने, ग्राफ देखिए, एक ग्राफ हम देखते हैं अभी। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है, अब ग्राफ देखते हैं। देखिए ये ग्राफ है आपके सामने, देख रहे हैं। अब ग्राफ में क्या बताया गया है देखिए ज़रा।
एक तरफ वॉल्यूम और एक तरफ टेम्परेचर, दिख रहा है आप लोगों को? एक तरफ क्या रखा हुआ है? वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया टेम्परेचर। इस केस में ये वॉल्यूम हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है कि और लाइन सभी ओरिजिन से पास हो रही है, इस तरीके से लाइन्स ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अब ये हो गया प्रेशर P1, ये हो गया प्रेशर P2, ये हो गया P3, ये हो गया P4, ठीक है गाइस। और यहाँ पे लिखा हुआ है दैट P4 इज ग्रेटर देन P3, इज ग्रेटर देन P2, इज ग्रेटर देन P1, यानी कि P4 सबसे ज़्यादा है। तो हमको इससे क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ से हमको ये समझ में आ रहा है, जरा देखिए कि जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ते जा रही है, जो प्रेशर का जो ग्राफ है वो नीचे की ओर झुकता जा रहा है। मतलब कि ये हुआ P1, ये हुआ P2, ये हुआ P3, ये हुआ P4, और यहाँ पे लिखा हुआ है दैट P4 इज़ ग्रेटर देन P3 इज़ ग्रेटर देन P4 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा इस ग्राफ को जूम करता हूँ ताकि आपको ये और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए ये ग्राफ मैंने जूम कर दिया, दिख रहा है आप लोग को कैसे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, दिख रहा है आप लोग को? देखिए ये P4 है, ये P3 है, ये P2 है, ये P1 है। इस तरीके से हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि P4 इज़ ग्रेटर देन P3 इज़ ग्रेटर देन P2 इज़ ग्रेटर देन P1, ठीक है गाइस, ओके। तो हम लोगों ने ये देखा कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, तो ये डायरेक्टली जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होते जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और हाँ, एक बात और है कि यहाँ पे आइसोबार लिखा हुआ है, आइसोबार का क्या मतलब होता है? आइसोबार का मतलब होता है वो ग्राफ जो कांस्टेंट प्रेशर पे बनाया जाए, ठीक है। देखिए तीन चीज़ें होती हैं, पहला होता है आइसोथर्मल होता है, तीसरा होता है दूसरा होता है आइसोकोरिक, तीसरा होता है आइसोबैरिक, ठीक है। तो देखिए आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। और आइसोबैरिक मतलब क्या हुआ, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम लोग लॉ पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है गे-लुसैक लॉ। क्या नाम है उसका? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ जो है वो आपके सिलेबस में दिया गया, इस चैप्टर का तीसरा लॉ है। इसमें ये बताया गया है, देखिए हम लोगों ने बारी बारी से पहले प्रेशर को कांस्टेंट रखा, फिर पहले प्रेशर को कांस्टेंट रखा, फिर अब फिर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा, और अब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने डेल्टा बी जीरो कर दिया, डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी अभी मैंने आप लोगों को एक प्रेशर कुकर का नाम बताया था, प्रेशर कुकर का एग्जांपल दिया था, तो वो वाला एग्जांपल अभी इसमें सेट होगा। कैसे? अरे भाई आप लोगों ने देखा होगा कुकर का डायग्राम जो भी है होता है, आपने कुकर का डायग्राम देखा है। मान लीजिए कि ये कुकर है, ये उसकी सीटी हो गई, ठीक है, ये हो गई उसकी सीटी। यहाँ पे ये रख दिया आपने, क्या रख दिया, यहाँ पर रख दिया आपने जो भी फूड बनाना है, चावल दाल जो भी बनाना है, ये उसका हैंडल हो गया। अब बताइए इसका तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, प्रेशर कुकर का वॉल्यूम तो फिक्स हो गया। अब अगर प्रेशर कुकर का वॉल्यूम फिक्स हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, जैसे जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे भाई, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हम इसको डायरेक्टली बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू अगर जीरो है, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे तभी तो भाई प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बनता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है गाइस। अब क्या होगा, पी इज इक्वल टू के इंटू टी होगा। इसका मतलब हुआ क्या, उसका मतलब कि पी अपॉन टी इज इक्वल टू के हो गया, इज इक्वल टू के, ठीक है। अच्छा, अब अगर P अपॉन T अगर ये कांस्टेंट हो जाता है, इसका मतलब हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है इसमें, बनेगा फॉर्मूला P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये बन गया फॉर्मूला, देखिए इसी के ऊपर बनेगा फॉर्मूला ये। और ये फॉर्मूला जिसमें बनता है, हम लोग उसको बोलते हैं गे-लुसैक लॉ।
क्या बोलेंगे, गे लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे, अब इसके आगे हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। अब इसके ग्राफ में क्या है, देखिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, बहुत ईजी है ग्राफ, देखिए एक मिनट, हाँ इसका ग्राफ देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ है, एक मिनट, ये है ग्राफ, जरा देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखिए एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर वेरी हो रहा है, वाई एक्सिस पे प्रेशर वेरी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि V4 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस कौन सा है, V4 है। तो जरा ध्यान से देखिए ग्राफ को, V4 नीचे है, उसके बाद V3 है, उसके बाद V2 है, उसके बाद V1 है। इसका मतलब है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम का ग्राफ नीचे की ओर झुकता जा रहा है। यस, और हमको ये भी समझ में आ रहा है कि जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसका ये मतलब है भाई कि ना तो वो इस तरफ झुकना चाहता है और ना तो वो इस तरफ झुकना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई भी ग्राफ आप लोग देखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई भी ग्राफ वो है जीरो से शुरू होगा, ओरिजिन से पास होगा। क्यों? क्योंकि यही एक ग्राफ है जो कि वो किसी भी तरफ नहीं झुकता है, वो एकदम सीधा जाता है, वो कहीं भी झुकता नहीं है, एकदम स्ट्रेट जाएगा वो। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ओके गाइस, अब चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट लॉ ऑफ दिस गैसियस सिस्टम, आई होप सो दैट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ में क्या बोला गया है, इसके बाद एक और लॉ है जो कि इन चारों लॉ का कॉम्बिनेशन है, उसके कारण हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बना पाएंगे, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में तो सुना होगा आपने, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है, इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ TNP टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एकदम ईजी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो एलपीजी सिलेंडर है। अब मेरे हाथ से तो बढ़िया हाथ से नहीं बना है। अब मान लीजिए कि दोनों एलपीजी अभी सील्ड हैं, अभी यूज़ नहीं हुआ है। अगर यूज़ नहीं हुआ है तो देखिए जरा दोनों एलपीजी का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, दोनों एलपीजी का वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। टेम्परेचर एट अ गिवन टाइम वो भी कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और दोनों क्योंकि वो सील्ड हैं तो प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, तो PVT ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हो गए। अगर तीनों के तीनों पैरामीटर कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन दिस एंड नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन दिस ऑफ गैसेस LPG बिकम इक्वल। समझ में आया क्या कंडीशन बताया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी गैस प्रेजेंट इन टू डिफरेंट कंटेनर्स वुड हैव सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। समझ में आ गया गाइस। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, V proportional to n डायरेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है V proportional to n प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी कॉन्स्टेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि V इज इक्वल हो जाएगा K into n, यानी कि V upon n इज इक्वल टू K। एकदम ईजी, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है गाइस। इसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। व्हाट इज दिस, वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। यस गाइस, समझ में आ गया सबको, एनी डाउट इन दिस, आई होप सो गाइड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड